सरकारी कर्मचारियों के लिए पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, देश में लागू हुआ यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अब इस तरह मिलेगा सरकारी कर्मचारियों को पेंशन। आखिर क्या है न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अंतर, अब दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं केंद्रीय कर्मचारी, वीडियो में जाने पूरी डिटेल। 10 साल की नौकरी के बाद हुए रिटायर तो हर महीने कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन हुई पक्की, लंबे समय से इस बदलाव की मांग कर रहे थे सरकारी कर्मचारी। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी को रिटायर होने के बाद भी सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की कर्मचारियों की नई पेंशन योजना में सुधार की लंबे समय से मांग की जा रही थी, अब सरकार ने मांग पूरी करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया, सरकारी कर्मचारियों की ओर से NPS में सुधार की मांग की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में TV सोमनाथन के नेतृत्व में इस पर एक समिति का गठन किया था। JCM संयुक्त सलाहकार तंत्र सहित व्यापक परामर्श और चर्चा के बाद समिति ने एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश की है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। आखिर क्या है एकीकृत पेंशन योजना, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। ये राशि रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के एवरेज बेसिक पे ही 50% होगी। कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद इस पेंशन को पाने के हकदार होंगे। वहीं अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो उसे उस वक्त तक मिलने वाले पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। इसके अलावा अगर कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है और 10 साल से अधिक है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी। महत्वपूर्ण पहलू ये है कि कर्मचारी का कार्य वर्ष चाहे जितना भी हो, उसकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपए से कम नहीं होगी। अगर UPS से कौन कौन जुड़ सकता है इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिन्हें पेंशन से जुड़ी समस्याएं हैं। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना में बने रहने या एकीकृत पेंशन योजना में शामिल होने का निर्णय लेने का अधिकार होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उन सभी लोगों पर लागू होगा जो 2004 के बाद से NPS के तहत पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हालांकि नई योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, लेकिन NPS की शुरुआत के समय से इसके तहत सेवानिवृत्त हुए सभी लोग और 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले लोग भी UPS के इन सभी लाभों के पात्र होंगे। उन्होंने जो भी पैसा निकाला है उसे समायोजित करने के बाद उन्हें पिछला बकाया मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि NPS से ये स्कीम कैसे अलग है। दोस्तों हम आपको बता दें कि अभी पेंशन के लिए कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम NPS में बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता है। इसमें सरकार अपनी ओर से 14% देती है। अब UPS में कर्मचारी को कोई भी अंशदान नहीं देना होगा। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगी। इस घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट कर सरकारी कर्मचारियों पर गर्व जताया। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। ये कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिन्हें इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है। पेज को फॉलो कर लीजिए और इसे लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले।